राम राम। बोलिए क्या समाधान आप चाहती हैं बालाजी के चरणों? हाँ पूछ सकते हैं, चाहे जैसे पूछो हमें तो बताना। हाँ हमने लिख लिया, पूछो। हाँ ठीक है ठीक है। कलेश इसमें केस का किससे है? अच्छा आप क्या चाहते हैं? ठीक है हमने चार बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, माता पिता का बहुत हैरान है, शरीर में उनके जकड़न बना हुआ है, मुकदमा चल रहा, केस चल रहा, आपके पति से विवाद चल रहा है, अलग करने के लिए उन्होंने आपके ऊपर आपके साथ में मुकदमा है। आप सामंजस्य चाहती हैं, आप सामंजस्य चाहती हैं, लेकिन दोनों तरफ से बात बहुत बढ़ चुकी है, मुश्किल है। माँ कात्यायनी माता की साधना करें, सामंजस्य हो सकता। बच्चों में कलेश अनवरत बना हुआ है, लगातार उपद्रव मचा, जाओ आपके घर पर नवचंडी पाठ करने से कलेश शांत होगा, माता पिता स्वस्थ होंगे और पति के साथ आपका निर्णय नौवें महीने तक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर उसके बारे में हमने देखा नहीं, एक मिनट में बताते हैं हम, एक मिनट में हम आपको बताते हैं। हो वाह, जब पहली बार बालाजी सरकार के दर्शन किए थे तब से आज तक कमर में दर्द नहीं है। ओ वाह, और तब से हर महीने धाम पहुंच जाते हैं, ये बालाजी की कृपा है। गांठों की दिक्कत बता रहे हैं, उस पर भी हमने निकाला आपका, गांठों की दिक्कत, शरीर में सूजन बन जाना जी, शरीर में सूजन बन जाना, बहुत ज्यादा शरीर फूल जाता है, अचानक से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, ये आपको जो है एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और डॉक्टरी सलाह इसके लिए लेवें। मंत्र चिकित्सा के बल पर आराम तो लगेगा, पर अगर डॉक्टरी सलाह लेगी तो पूर्ण लाभ होगा। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी टोटका नहीं है, घर की थोड़ी सी स्थान में दिक्कत है जो कभी कभी झटका लगाता है, उसके लिए आप अगर सुंदरकांड का पाठ करवा दें उस पर भी कृपा हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। अनवरत पेशी करो बहना, हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके जो कह दिया वो नहीं कटेगा। ये मंत्र आपके लिए लिखा, तीन माला। ठाकुर जी आप अभी वैसे हनुमान जी को बहुत मानते, आपकी बचपन से ही हनुमान जी के प्रति लगन, लेकिन आराधना ही खुश रहो, भभूति वहां से मिली। चल राम साधु जी।